Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of registration of charge. जैसा कि previous lecture में हमने discuss किया था about the concept of charge, its different kinds, जिसमें इसमें मैंने आपको fixed और floating दो type के charges के बारे में discussion किया था. इनके बीच में क्या differences रहते हैं, इनको भी हमने discuss किया था. आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जब कंपनी चार्ज को रजिस्टर्ड करती है तो चार्ज के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें किन किन प्रोविजंस को फॉलो करना कंपलसरी है. तो यहाँ मैं उन पर्टिकुलर मेजर प्रोविजंस को डिस्कस करूँगा विच आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. क्या क्या है ये प्रोविजन्स. द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस. It means that it is or it shall be the duty of every company to register every charge created on its property or assets or any of its undertaking. यानी कि कंपनी अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी असेट्स पर या किसी भी अंडरटेकिंग पर अगर चार्ज को क्रिएट करती है तो उस चार्ज को रजिस्टर कराना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी. ये काम हर कंपनी को कंप्लीटली फॉलो करना है, यानी कि हर टाइप के चार्ज को रजिस्टर कराना, दैट इज वेरी कंपल्सरी. चाहे प्रॉपर्टी इंडिया में है या फिर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, उसे अगर चार्ज किया गया है तो उस चार्ज को रजिस्टर्ड कराना ही कराना है. इससे मतलब नहीं है कि प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है या आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है. Whether the property is tangible or the property is in another form. कैसी भी property क्यों हो, अगर किसी भी type की property पर कैसा भी कोई charge create किया गया है तो उस charge को register कराना, this is the duty of each and every company. Okay, this is the very first provision. Second provision is filling particulars and instruments of charge. यानी कि जब कंपनी चार्ज को रजिस्टर करती है तो चार्ज को रजिस्टर करते समय उसे कंप्लीट पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करने होते हैं और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट प्रिस्क्राइब्ड है चार्ज का, उसको प्रॉपरली फिल करना होता है. इट मीन्स दैट फॉर रजिस्ट्रेशन एवरी कंपनी सेल फाइल द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज विद द रजिस्ट्रार. द पर्टिकुलर्स सेल बी साइंड बाय द कंपनी एंड चार्ज होल्डर्स. जो भी चार्ज फाइल किया जा रहा है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस चार्ज को रजिस्टर किया जा रहा है उसके रेफरेंस में जितने भी पर्टिकुलर्स हैं उनको फाइल करना जरूरी है टू द रजिस्ट्रार. और जो आप पर्टिकुलर्स फिल करोगे उस पर कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों के साइन होने कंपलसरी हैं. इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने कुछ गाइडलाइंस इश्यू कर रखी हैं और उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी चार्ज पर्टिकुलर्स फिल किए जाते हैं दे आर फिल्ड इन द फॉर्म नंबर CHG 1. अगर डिवेंचर से अलग कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसे आपको CHG 1 में फिल करना होगा फॉर्म नंबर, और अगर डिवेंचर्स के रिगार्डिंग है तो उसे आपको CHG 9 फॉर्म फिल करना होगा और उसमें आपको कंप्लीट पर्टिकुलर्स चार्ज के रिलेशन में प्रोवाइड करने होते हैं. यानी कि जो जो इन्फॉर्मेशन उन फॉर्म्स में दे रखी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है इन रिलेशन टू द चार्ज. इसके बाद क्या करना होगा, जो उसकी कॉपी है किसकी, उस इंस्ट्रूमेंट की जो चार्ज को क्रिएट कर रहा है. आपने एक इंस्ट्रूमेंट भी इश्यू करा होगा तो जो इंस्ट्रूमेंट आपने चार्ज क्रिएट करने के रेफरेंस में इश्यू किया है उसकी एक कॉपी भी आपको चार्ज के पर्टिकुलर के साथ में अटैच करनी होगी. दिस इज द गाइडलाइन इश्यूड by the Ministry of Corporate Affairs. Okay. Now, come to the third provision. The third provision is in reference of the time limit for registration. It means that every charge created shall be registered within 30 days of its creation. यानी कि जिस दिन चार्ज को क्रिएट किया जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर हर चार्ज को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है. ईच एंड एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन. ये टाइम लिमिट की बाउंडेशन रहती है एज पर द रूल्स ऑफ
कंपनी एक्ट एंड MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एज एक नेक्स्ट प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग कंडोनेशन ऑफ डिले बाय रजिस्ट्रार। कंडोनेशन होता है माफीनामा एक तरीके से। कंडोनेशन ऑफ डिले यानी कि अगर कभी कभी क्या होता है कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज को मतलब जिस दिन उसने क्रिएट किया है उससे 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर कराना भूल जाती है या फेल हो जाती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन अराइज होती है जिसमें कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं करा पाती है टू द रजिस्ट्रार, तब क्या करेगी कंपनी उस केस में? उसके लिए भी एक प्रोविजन फॉलो किया गया है। द कंपनी कैन अप्लाई टू द रजिस्ट्रार फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, यानी कि डिले के लिए एक माफीनामा लगा सकती है और इसके लिए रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कर सकती है कि भाई, और इसके लिए उसे स्पेसिफिक रीजंस भी प्रोवाइड करने होंगे कि किन रीजंस की वजह से वो 30 दिन के अंदर अंदर चार्जेस जो क्रिएट किए गए हैं उसके द्वारा उनको रजिस्टर्ड नहीं कर पाई। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक फॉर्म नंबर CHT1 को फॉलो करते हुए उसे ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी और इसमें डिक्लेरेशन देना होगा कि कंपनी उस पर्टिकुलर चार्ज को 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर पाई। और इसके साथ साथ उस डिक्लेरेशन पर कंपनी के साइन होने चाहिए और कंपनी के साइन के फॉर्म में या तो सेक्रेटरी के साइन हो या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स के उस पर साइन होने कंपलसरी हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होता है CHT1 जिसमें प्रॉपर डिक्लेरेशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किया जाता है विद अ रीजन कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं कर पाई, अब ये जाता है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार इसको प्रॉपरली स्टडी करता है और स्टडी करने के बाद अगर उसे लगता है कि जो रीजंस कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किए गए हैं दे आर राइट एंड रीजनेबल है वो, और अगर वो उन पर्टिकुलर रीजन से सेटिस्फाइड हो जाता है कि कंपनी ने इंस्ट्रूमेंट पर जो चार्ज क्रिएट किया है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर उसको रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया, इसके रेफरेंस में जो लॉजिक दिया गया है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर रजिस्टर उस पर्टिकुलर लॉजिक से सेटिस्फाइड हो जाता है, उस कॉस्ट से सेटिस्फाइड हो जाता है, तब वो क्या कर सकता है, वो उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन ये जो टाइम लिमिट रहेगी वो 30 दिन से ज़्यादा तो होगी लेकिन 300 दिन से 300 डेज के अंदर अंदर होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द क्रिएशन डेट ऑफ द चार्ज। चार्ज की क्रिएशन डेट के 300 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना होता है, जो भी चार्जेस वो क्रिएट कर रही है उसको रजिस्ट्रार को रजिस्टर कराने होंगे। इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड और वो चार्ज के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन से ज़्यादा के लिए अलाउ कर देगा उस केस में, और इसके साथ साथ उसे कुछ एडिशनल फीस भी पे करनी पड़ेगी। जब तक वो एडिशनल फीस पे नहीं करेगी कंपनी तब तक उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम एक्सटेंशन या टाइम की एक्सटेंशन उसे मिल सकती है फॉर रजिस्टरिंग द चार्ज विद द रजिस्ट्रार। क्लियर। नेक्स्ट प्रोविजन इज That is the extension of time limit by the central government. अब पॉइंट ये आता है कि अगर रजिस्ट्रार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है 300 दिन की और वो उन 300 दिन के अंदर अंदर भी चार्ज को रजिस्टर नहीं करा पाता है, अब क्या होगा, वॉट वुड हैपन इन दैट केस? तो इसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोविजन को डेवलप किया गया है। और क्या कहता है ये प्रोविजन, हम एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। समटाइम्स अ कंपनी मे फेल्स टू रजिस्टर अ चार्ज विद इन 300 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। इन सच अ केस द कंपनी मे सीक एक्सटेंशन ऑफ टाइम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर कंपनी 300 दिन के अंदर अंदर अपने चार्ज को रजिस्टर कराने में फेल हो जाती है तो उस केस में कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर सकती है इस पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते हुए कि वो चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए टाइम में एक्सटेंशन चाहती है। क्या करना पड़ेगा कंपनी को इसके लिए, इसके लिए कंपनी को एक एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी और इसके लिए उसे एक फॉर्म नंबर CHT8
को फोकस करना होता है अलॉन्ग विद द फीस। और इस CHG 8 में एक एप्लीकेशन को फाइल करते हुए ये किसके पास सबमिट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, प्रॉपर रीजन के साथ में, कि क्यों वो 300 दिन के अंदर अंदर चार्ज को कंपनी के पास रजिस्टर नहीं करा पाया। ठीक है, बिकॉज दिस इज ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज हैविंग द पावर टू कंडोन द डिले एंड एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चार्ज इवन आफ्टर 300 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करने का रीजन ये होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो डिले को कंट्रोल कर दे और जो चार्ज के रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट है उसको 300 दिन से आगे बढ़ा सके। ये पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होती है। इसी वजह से CHG 8 फॉर्म के साथ में एक एप्लीकेशन को फाइल करती है कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है कि जो रीजन्स प्रॉपरली डिफाइन किए गए हैं उसके अंदर अगर वो प्रॉपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाइड है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर इश्यू करती है फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द डिले, उसके रिगार्डिंग एक ऑर्डर को इश्यू करती है और जो टाइम लिमिट है चार्ज के रजिस्ट्रेशन की उसको एक्सटेंड कर देती है। ठीक है, और इस तरह से जो कंपनी है उसको चार्ज को रजिस्टर कराने के रेफरेंस में टाइम लिमिट का एक्सटेंशन मिल जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट प्रोविजन इज रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार, यानी कि एक बार जब गवर्नमेंट का ऑर्डर इश्यू हो जाता है इसके रेफरेंस में, तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर के रिसीविंग के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के उस ऑर्डर के रिसीविंग के बाद, यानी कि जो टाइम लिमिट के एक्सटेंड के रेफरेंस में है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के रेफरेंस में, कंपनी क्या करेगी? कंपनी सेल फाइल अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर INC 28 अलॉन्ग विद द फीस। तो फिर से कंपनी को एक फॉर्म भरना होगा और फॉर्म है INC 28, और इस फॉर्म में उसे क्या करना होगा, जो ऑर्डर मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी एक कॉपी उसमें फाइल करनी होगी। लेकिन जब कॉपी को, जब फॉर्म को फिल कर रही होगी कंपनी, तो उसको उन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा जो ऑर्डर में डिफाइंड हैं। ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए INC 28 फॉर्म को कंपनी के द्वारा फिल किया जाता है और फिर इसे रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दिया जाता है। और इसके अंदर जो टाइम लिमिट दे रखी है, अब कंपनी को क्या करना है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास कराना ही कराना होता है। दैट इज वेरी कंपल्सरी मोड। क्लियर? सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रोविजंस इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ओके, थैंक यू।